नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके पॉइंट स्टडी में। और आज हम चर्चा करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फोर्थ चैप्टर, एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मार्कर को ऑन कर लेते हैं, पेन को ऑन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी वाई। क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स, एक्स जो लेना है हमें यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, नहीं दिया होता तो आप एक्स बाई अलग अलग भी ले सकते थे, है ना, किसी को मान सकते थे। दूसरा बाय कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। अब नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट है दुगनी है, ट्वाइस है। नोटबुक की क्या है, एक्स, मतलब एक्स बाई का दुगना है। सो गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट को हम कैसे लिखने वाले हैं, गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की दुगनी है, मतलब एक्स ट्वाइस है, एक्स ट्वाइस है वाई का, एक्स ट्वाइस है वाई का। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, सिंपल, कितना सिंपल है, देखिए मुश्किल नहीं है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी कुछ लगा हुआ है लाइन के इक्वेशन में वो सब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जीरो है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो हमें उसको क्या करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, और प्रत्येक केस में ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं, पहला टू एक्स प्लस थ्री वाई, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, पहला है टू एक्स प्लस थ्री वाई, और जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का नहीं हो जाएगा कि वो माइनस 9.35 आपका कैसा है, रिपीट आ रहा है उसमें। तो आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, इस फॉर्म में आ गए बिल्कुल। ए की वैल्यू कितनी है, हियर ए इज इक्वल टू, ए कितना है भाई, ए देखिए जरा गौर से देखिए, ए कितना है टू, बी कितना है, बी है थ्री, और सी कितना है, सी आपका 9.35, और ये 5 आपका कैसा है, रिपीट आ रहा है। अब हम, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें, सिंपल एकदम। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में तो हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1/5 इंटू बाय माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। इसमें कोई कन्वर्ट करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसी फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ हमें ए पहचानना है, हियर ए इज इक्वल टू, ए कितना है, ए है एक्स का कोफिशिएंट 1, और बी कितना है, बाई का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 1/5, और सी कितना है, सी है कांस्टेंट टर्म माइनस 10, ए है 1, बी है माइनस 1/5, और सी कितना है, सी है माइनस 10। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। आगे देखते हैं, तीसरा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। तो चर्चा हो चुकी है, इस सिक्स को हमें कराना है, हमें सिक्स को लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तीसरा, एक दो तीन, ये तीसरा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। आप चाहें तो इसी में ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपके सही कौन सा होगा, दोनों सही होंगे, आप किसी को भी लेकर चल सकते हैं। माइनस वन से डिवाइड कर दिए, चाहे इसको लें चाहे इसको लें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप कहें कि ए बी सी की वैल्यू वाला आ जाएंगी, आ जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है टू, ऊपर वाला लेते तो आती माइनस टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, और सी की वैल्यू है सिक्स, ऊपर वाली लेते तो अलग आती, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों ही सही होते हैं, है ना। आप चाहें तो दोनों आंसर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, तो थ्री वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब एक्स का कोफिशियंट वन, बी की कितनी है माइनस थ्री, और सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जो है जीरो। ए की वैल्यू है वन और बी की वैल्यू है माइनस थ्री और सी की वैल्यू है जीरो। कंपेयर कर लीजिए उसको आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, हो गया ना। अब आपके सामने फिफ्थ, तो फिफ्थ को हम देखते हैं भाई, फिफ्थ क्या कह रहे हैं, फिफ्थ वाई कह रहे हैं टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाना है सब कुछ, टू एक्स लेफ्ट में आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। आप कंपेरिजन भी हो जाने देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप ही पहचानिए ए कितना है, ए कितना है, ए मतलब एक्स का कोफिशियंट, ए की वैल्यू कितनी है टू, बी मतलब वाई का कोफिशियंट, बी कितना है फाइव, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज जीरो। ए की वैल्यू है टू, बी की वैल्यू है फाइव और सी की वैल्यू है जीरो, हो गया ना। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट की तरफ। ये क्या कह रहा है, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर इसमें बाई का नहीं लिखा है तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहें नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। जीरो बाय प्लस टू, इसमें जीरो बाय जीरो बाय तो जीरो तो मौजूद है ही उसमें, तो आप कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई। अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखने की अवस्था नहीं है ऊपर वाले से। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स का कोफिशियंट थ्री, बी की वैल्यू कितनी है जीरो क्योंकि बाई है ही नहीं यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी है प्लस टू। तो ये आ गया आपके ए बी सी, और हमने रिक्वायर्ड फॉर्म में भी लिख दिया उसको जो लिखना था। और सेवेंथ है बाय माइनस टू। अब आप देखिए जो बात पिछले में हुई, पिछले में क्या था, बाय मिसिंग था और इसमें एक्स मिसिंग है, तो बाय माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट पहले वाले से समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, बाई को वन बाई लिख दीजिए और चाहे वैसे लिखा रहे हैं, एक ही बात है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बना रहे हैं अलग अलग तरीके कि आप ऐसा देखिए इसको, दूसरे तरीके से देखिए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू कितनी है भाई वन, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस टू। कंपेयर कर लीजिए ना, ए की वैल्यू है जीरो और बी की वैल्यू कितनी है वन, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस टू। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, किनको कंपेयर कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को, दिस एंड दिस। देखिए मिलाइए, ए है जीरो, बी है वन एंड सी है माइनस टू। अब एट्थ, फाइव इज इक्वल टू टू एक्स। तो चाहे तो टू एक्स को इधर ले आइए और चाहे फाइव को उधर ले जाइए, एक ही बात है। तो आप लिख सकते हैं माइनस टू एक्स प्लस जीरो वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन हो जाने दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन किसका होगा, इसका और इसका, इन दोनों इक्वेशन का होगा। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है माइनस टू, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है देख लो जीरो, सी की वैल्यू कितनी दिख रही है फाइव। अगर आप कहते कि सर मैं टू एक्स को मतलब फाइव को साइड ले जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ए बी सी की वैल्यू लगा जाती तो वो भी सही होती, नेगेटिव आ जाती, ए जो आपका जो है टू है, जो टू आया अभी वो प्लस का आ जाता, बी जीरो आता और सी नेगेटिव आ जाता, तो कोई अंतर नहीं पड़ता उससे, आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। इफ़ यू एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वॉन्ट वीडियो ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।